अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी स्पाइसी चिकन बिरयानी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैं देखती हूँ, मैं डाल रही हूँ 1 कप ऑयल। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है और अब मैं इसमें डाल दूँगी 8 स्लाइस किए हुए प्याज। प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज ब्राउन हो चुकी है और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई कर दूंगी। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 किलो चिकन। चिकन को भी मैं थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लूंगी। चिकन भुन जाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, साबुत काली मिर्ची 1 टीस्पून, 6 लौंग, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल और 1 तेज़पत्ता। तेज़पत्ता या तेज़पात जो भी आप कह लें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 6 लौंगी मिर्चें। नमक डालेंगे हसबे जायका, 1 टेबल स्पून या 2 खाने के चमचे लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून। बिरयानी मसाला डालेंगे 1 टेबल स्पून या 2 खाने के चम्मच। अब मैं इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दूंगी 5 हरी मिर्चें। मिर्चों को मैंने बीच में से कट लगाया हुआ था। और साथ ही इसमें जाएंगे 5 टमाटर चॉप किए हुए। और अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी डाल दूंगी। पानी मैं इसमें 1 कप डाल रही हूँ, 1 या 1.5 कप आप डाल देना। पानी डाल देने के बाद अब मैं इसको पकाऊंगी 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, या जब तक के चिकन गल जाए अच्छे से। चिकन यहाँ पे गल चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही 2 टेबल स्पून। दही डालने के बाद मैं इसको लो फ्लेम पे रखूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि इसका तेल ऊपर आ जाए। ये देखिए हमारा सालन यहाँ पे बन चुका है और इसका तेल भी ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसका फ्लेम ऑफ करके इसको साइड में रख दूंगी। यहाँ पे मैं चावलों के लिए पानी बॉईल कर रही हूँ। पानी में मैंने गरम मसाला डाला हुआ है। गरम मसाला मैंने बस थोड़ा ही डाला है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, 4 लौंग और बादियान के फूल में से मैंने 1-2 पत्तियाँ तोड़ कर डाली हैं इसमें, और हसबे जायका नमक। और अब यहाँ पे मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। चावल मैंने 4 कप लेके उनको साफ़ करके भिगो दिया था। 15 से 20 मिनट तक के लिए मैंने चावलों को भिगो दिया था और अब मैं इसमें वो डाल रही हूँ। यहाँ पे चावल हाफ बॉईल हो चुके हैं तो अब मैं इनको छान लूँगी। छानने के बाद अब यहाँ पे मैं चावलों की एक लेयर बिछा रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें 1/2 सालन डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया और पुदीने के पत्ते। आप चाहें तो यहाँ पे लीमू टमाटर भी साथ में डाल सकते हैं। और अब ऐसे ही मैं दूसरी लेयर भी लगा दूंगी।
दूसरी लेयर लगाने के बाद अब यहाँ पे जो चावल बच गए थे इसमें मैं वो डाल रही हूँ। और अब ऊपर से इसमें जाएगा जर्दे का रंग। हरा धनिया और पुदीना जो बच गया था इसमें मैं वो डाल रही हूँ। चावलों के बीच में मैं थोड़ा सा स्पेस बना रही हूँ जिसमें मैं पानी डालूंगी ताकि इसमें अच्छी स्टीम बने और दम सही से आए। पानी डाल देने के बाद अब मैं इसको ढक दूंगी और इसके ऊपर कोई वजनी चीज़ रख दूंगी ताकि स्टीम अच्छे से बने। 5 मिनट में इसको हाई फ्लेम पे रखूंगी ताकि स्टीम बन जाए और उसके बाद लो फ्लेम पे इसको दम लगाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। दम के बाद यहाँ पे देखिए बिरयानी तैयार है, तो अब मैं बस इसको डिश आउट करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।